हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। सो द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज हेयर इज डेविएशंस टू मेंडलिज्म। क्योंकि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, ये सारे डेविएशंस थे मेंडल के लॉज के। सो सबसे पहले अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं, और यहाँ पर हम बात करेंगे को डोमिनेंस की। सो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स यहाँ पर जो फिनोटाइप होता है वो इंटरमीडिएट होता है। फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट ब्लेंड। जबकि को डोमिनेंस में क्या होता है? दोनों अलील्स फुल्ली एक्सप्रेस होती हैं एक साथ। बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेस्ड फुल्ली साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। सेकेंड डिफरेंस है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जबकि को डोमिनेंस में कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज होती हैं, डिस्टिंक्ट अलील्स प्रेजेंट होती हैं, नो ब्लेंडिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन। इसमें क्या होता है, जैसे रेड फ्लावर्स हैं अगर हमारे पास, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल आर से, अगर इसका क्रॉस करवाते हैं वाइट से, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू से, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा F1 RW, जो कि पिंक होगा। तो दोनों का ब्लेंड होके आ रहा है, ये रेड है, ये वाइट है, और जो हमारा F1 बन रहा है वो पिंक आ रहा है, मतलब रेड और वाइट का दोनों का ब्लेंड होके आ रहा है पिंक। सो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है ब्लड टाइप AB O। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IA IB से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। सो ये डिफरेंस हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बीच में। होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।